Students, I hope part 1 of chapter 2 is clear to you. Today we'll start part 2 of Children at Work. Let's read the overview first. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Velu jo strange girl ab uski friend ban chuki thi, Velu apni friend ko ka peecha karte karte crowded streets में से निकल कर to a big building, एक big building, एक बड़ी building के पास पहुँचता है. Behind the building, building के पीछे there is a big garbage bin. वहाँ क्या पड़ा हुआ था? एक बहुत बड़ा कूड़े करकट का dustbin पड़ा हुआ था, bin पड़ा हुआ था. Velu wonders, Velu हैरान होता है, why they are there at all, कि वो वहाँ किस लिए आए हैं. He caught up with the girl as she was leaving the train. स्टेशन, जब वो लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वेलू उसके पास पहुंच गया. When they got to the road, जैसे ही वो रोड पर पहुंचे, वेलू found that the vehicles kept coming. वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, वो लगातार आ जा रहे थे. And never stopped for anyone, और वो किसी के लिए भी नहीं रुके. वो means व्हीकल्स. Smoke and dust flew at him. जो धुआं था और जितनी भी dust थी, धूल थी, गंदगी थी, वो उड़कर उसके ऊपर आ रही थी from all sides, चारों दिशाओं से. Making his head spin, और इन सब से, इस smoke से और dust से उसका सिर spin हो रहा था, चकरा रहा था. They had to wait for a long time. उन्हें बहुत देर तक wait करनी पड़ी before they could find a gap to run through. कि वो बीच में से इतने जो क्राउड लगा हुआ था, जो इतना व्हीकल्स आ जा रहे थे, उनमें से बीच में से रास्ता बना सके निकलने का. वेलू कैप्ट हेजिटेटिंग, वेलू जो था वो झिझकता ही रहा, हेजिटेशन फील करता रहा. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, लेकिन जो लड़की थी फाइनली आखिरकार वो कामयाब हो गई, या फाइनली उसने वेलू को दूसरी साइड ड्रैग कर लिया, खींच लिया. What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows, गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, अगर तुम इस तरीके से सड़क के बीचों बीच यू खड़े रहे, you will be चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. Velu's heart was still beating fast. वेलू का दिल जो था अभी भी वो तेजी से धड़क रहा था. इवन दो दे हैव क्रॉस्ड द रोड, स्टिल उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की ओर देखा. एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और ट्रैफिक को बढ़ते हुए भी देखा, ट्रैफिक जो था वो जल्दी से चलते हुए ट्रैफिक को भी देखा. हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, वो उसमें से कैसे निकलने में सफल हुए, मैनेज उन्होंने किया. It was a question in his mind. They walked along the side of the road under some huge signboards. Huge signboards means बड़े बड़े signboards के नीचे. वो they walked along the side. वो सड़क के किनारे किनारे बड़े signboard के नीचे से चलते गए. वेलू looked up at the pictures. वेलू ने ऊपर pictures की तरफ देखा. पिक्चर्स में क्या था? बनियान, कार टायर्स, पेन, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. एवरीथिंग इज क्लियर. अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स मीन्स एक औरत एक डिब्बा पकड़े हुए. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जितना भी उन पिक्चर्स पे लिखा हुआ था वो सब कुछ इंग्लिश में था. सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, इसलिए व्हाट इट मेंट, इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, लड़की जो थी एक वाइड मतलब चौड़े पुल पर मुड़ी. एंड वॉकड अप, उस पर चलने लगी. वेलू स्टॉप्ड, वेलू वहीं रुका. एंड पेप्ड ओवर द रेलिंग, पेप्ड मीन्स झांकना, रेलिंग मीन्स जो उसके ऊपर ग्रिल लगी हुई थी उसके ऊपर से झांका. अंडर हिम, उसके नीचे द रोड रैन इन टू द सिटी, सड़क जो थी वो नगर की ओर जा रही थी. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. वहां से दूर उसे buildings, towers और सड़कें दिखाई दे रहे थे. See that building with the wall around it. वो बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों ओर दीवार है. If you are not careful, अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे, you will soon be counting bars there. तो उस बिल्डिंग में तुम सलाखें गिन रहे होंगे.
द गर्ल ग्रिंड, ग्रिंड मीन्स अ वाइट स्माइल. लड़की अपने दांत दिखाते हुए बोली एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. और उसका इशारा किसकी तरफ था, या इशारा करते हुए बड़ी बिल्डिंग की ओर. वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू स्क्वेंटेड, स्क्वेंटेड मीन्स टू गिव अ साइड लुक. वेलू ने साइड लुक से देखा और तमिल में लिखा हुआ था, उस नाम को पढ़ा सेंट्रल जेल. तमिल में उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल. व्हाई, क्यों? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, बस पकड़े मत जाओ, यही काफी है. बस इतनी सी बात है कि पकड़े मत जाना, पकड़े जाओगे तो दे विल पुट यू इन द बार्स, तुम्हें वो जेल में डाल देंगे. What does she mean? उसका क्या मतलब है? वेलू wondered. वेलू हैरान हुआ, सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. इतने में लड़की जो उसके शोल्डर पर बोरी थी, सैक थी, उसको उठाए पुल से नीचे उतर रही थी. Heading down means नीचे उतर रही थी. What was in it? उसमें क्या था, बोरी के अंदर क्या था. He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने स्टेशन पर प्लास्टिक के कप उसमें डालते हुए देखा था. What are you carrying in that bag? इस बैग में क्या उठा रखा है. Things. उस गर्ल का क्या रिप्लाई था, चीजें. और उन चीजों में क्या है, बॉटल्स, पेपर, बोतलें और कागज. वेलू wondered, वेलू हैरान हुआ, what she was doing with them, कि वो उनका क्या करेगी या वो उनका क्या करने वाली है. But he felt shy to ask any more questions, लेकिन उसको झिझक कह लो या शर्म फील हो रही थी आगे कुछ भी पूछने में. It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, but लेकिन sun blasted down ऑन द तार, जो धूप थी वो तार कोल के ऊपर आग की तरह बरस रही थी. एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, वेलू जो कि बेयर फीट था, नंगे पैर था, उसके पांव जल रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, वो मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था. ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वो पसीने से भीग गया. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने पूरी कोशिश की छाया में चलने की. एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और साथ साथ ही लड़की की स्पीड को भी मेंटेन करने की, कि लड़की के साथ साथ चलता रहे और छाया में भी चलता रहे. शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चलती थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन, खाना कितनी दूर था. After almost an hour of walking, लगभग एक घंटा चलने के बाद, they stopped in front of a big building. वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके. In front of means उसके सामने. श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, read वेलू slowly. वेलू ने धीरे धीरे इन वर्ड्स को पढ़ा. क्या लिखा हुआ था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से बने हुए लेटर्स में लिखा था सेट, जिसपे लिखा था जे वी विनेगन ब्राइड रानी. क्या लिखा था, दूल्हा, दूल्हे का नाम जे वी विनेगन और दुल्हन रानी. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बाहर खड़ी हुई जो कारें थी उनको देखा. पार्क मीन्स जो बाहर खड़ी हुई थी कार, पार्क्ड, खड़ी हुई कारों की ओर देखा. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, एक कार पर, गार्लैंड मीन्स माला, एक कार पर फूलों की मालाएं और टेप से चिपकाए हुए गुलाब थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी से एक फूल को, एक गुलाब को खींचा. एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन शी सैड, आओ चलो, वह बोली. आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम अंदर खाना खाने जा रहे हैं, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वेलू ने बड़े हॉल के अंदर और उसके अंदर लोगों को देखते हुए ये बात पूछी. होप्स, उम्मीदें, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की ने अपना थंब अपनी नोज के नीचे
शेकिंग मीन्स हिलाते हुए कहा, शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो उसे होल के पीछे ले गई, देर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबेश, और बिल्डिंग के पीछे, होल के पीछे क्या था, एक बड़ा कचरे का बिन रखा हुआ था, कचरा दान रखा हुआ था, जिसमें कि बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, ढेर के ऊपर, पाइल मीन्स ढेर, कचरे के ढेर के ऊपर दो बकरियां खड़ी थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और एक केले के पत्ते के ऊपर लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ड अराउंड देयर लेग्स, एक मक्खियों का छत्ता जो था वो उनके झुंड जो था वो उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा था, भिनभिना रहा था। There was a rotten smell in the air. पूरी जो हवा थी उसमें सड़ने की, rotten means सड़ना, सड़ने की बदबू आ रही थी। The girl picked up a squashy banana. लड़की ने एक squashy, मतलब बिल्कुल गला हुआ सा बनाना उठाया, and held it out to Velu. और उसको किसके आगे कर दिया? Velu के आगे. Here's your food. ये लो तुम्हारा खाना. Velu was shocked. Velu हैरान था. Are we going to eat their leftovers? Leftovers means उनका बचा हुआ, है ना? बचा हुआ. कि क्या हम उनका बचा हुआ खाएंगे? She, what do you think I am? तुम्हें क्या लगता है? मैं कौन हूँ? A dog? एक कुत्ता? I only take untouched food. मैं सिर्फ वही खाता हूँ जो untouched हो. Here's some more catch. और भी कुछ है, ये लो पकड़ो। She threw him a वड़ा। अब वो उसकी ओर क्या फेंकती है? एक वड़ा। Velu looked at it with distaste. Distaste आपको पता है कि Velu उसकी तरफ बहुत नफरत से, कि उसको पसंद नहीं है, इस तरीके से देखता है। Come on hero, eat it. इसे खा लो। You think I like it? तुम्हें लगता है कि मुझे ये पसंद है? I told you I'll find you something to eat. मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगी खाने का, या तुम्हें कुछ खाने का अरेंज करवाऊंगी। Don't think I have money to buy food for you. पर ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए। You'd better eat what you get until you have your own money. तो अच्छा है, जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते तब तक यही अच्छा है कि जो मिले वो खा लो। Velu hesitated. Velu को बहुत झिझक हुई, but his stomach squeezed him again. लेकिन उसका पेट जो था वो फिर से स्क्वीज हो रहा था, उसे बहुत भूख लग रही थी। He gulped down the banana. Gulp means to swallow. वो बनाना को, केले को निगल गया, and the वड़ा, वड़ा को भी। His stomach felt better immediately. उसका जो पेट था उसको तुरंत आराम मिला। Immediately मतलब एकदम से, तुरंत। He could have eaten at least 10 times more. कि जितना उसने अभी खाया था उसका 10 टाइम और, 10 गुना और वो अभी खा सकता था। But the girl could find only one more banana which she ate herself. लेकिन जो लड़की थी उसको सिर्फ एक और केला मिला जो कि उसने खुद खा लिया। It's too early. They have only eaten tiffin. Tiffin means कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो ये जितने भी हॉल के अंदर गेस्ट थे, जितने भी लोगों को तुमने देखा था, उन्होंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है। If you are still hungry, अगर तुम अभी भी भूखे हो, you will have to wait for them to finish lunch. तो तुम्हें वेट करना होगा उनके लंच फिनिश होने तक। You can wait if you want. तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, कपल ऑफ बॉटल्स मीन्स दो बोतलें। फ्रॉम द हीप, ढेर में से उसने दो बोतलें उठाई, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उन्हें किस में डाल दिया? अपनी बोरी के अंदर, जो कि वो हमेशा अपने कंधे पर लेकर घूमती थी। देन शी वॉक्ड ऑफ, वो वहां से चली गई। Velu panicked, Velu घबरा गया। He realized that if the girl left him, उसे एहसास हुआ कि यदि अगर वो लड़की उसे छोड़कर चली गई, he had no idea where he was, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ था, and what to do, कि वो क्या करे। It was better to stick to her, इसलिए अच्छा रहेगा कि वो उस लड़की से चिपका रहे, उसके साथ साथ रहे। She seemed to know her way around, उसे वहाँ के सब रास्ता, सब जो वेज थे वो पता थी, सब जगह पता थी। He ran after her again, वो दोबारा से उसके पीछे भागा।
ए ही कॉल्ड, उसने उसको बुलाया, आवाज लगाई। ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको यहाँ तक कि लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, हरिंग मीन्स उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उसने पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुक गई और मुड़ी। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो अच्छा तो तुम मेरा नाम जाने बिना ही मेरा पीछा कर रहे हो। जया, तो लड़की का नाम क्या है, लड़की ने अपना नाम क्या बताया। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मतलब मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। फॉलोइंग सिनोनिम इज चेजिंग, फॉलोइंग का सिनोनिम होगा, सेम वर्ड होगा चेजिंग, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाने को किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वॉन्ट, ऊपर की जो लाइन थी वो वेलू ने गर्ल से पूछी, गर्ल का नाम है जया। कम इफ यू वॉन्ट, ये लाइन जो है जया ने वेलू को कही है कि आना चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज फुल, ये बैग जो है, बैग मीन्स सैक, ये बोरी जो है वो भर गई है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। टू गेट अनदर वन, दूसरी बोरी लाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, पार्ट टू ऑफ चैप्टर टू इज कंप्लीटेड। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।